गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मजे में? तो अभी टाइम है 10:30, अभी जा रहे हैं पीजीआई। मेरे एक फ्रेंड है, राहुल नाम है, राहुल तिवारी तो फ्रेंड है। तो उस जहाँ पे काम करता है उसके बॉस का बीवी का डिलीवरी था, तो ब्लड ब्लीडिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया है, तो उसे ब्लड चाहिए, तो हम ब्लड देने जा रहे हैं। तो फटाक से चलते हैं, और जो अपनी आरसी, लाइसेंस, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, एवरीथिंग, काफ़ी चीज़ें गुम हुई थी, उसके फॉर्म लेते, फिल करते, जो फिल कर सकते हैं वहाँ पे तो फिल कर देंगे, नहीं तो फॉर्म लाएंगे तो कल चलेंगे फिर। और अपने पास माउंट है नहीं, माउंट दिया नहीं भाई ने, बोल रहे 2 दिन लेके आया था, फिर उसके बाद तू आया नहीं तो मैं वापस घर रखा है। तो क्या ज़रूरी था भाई घर रखना तुझे? दुकान पे रख लेता, भूख लगी थी तुझे, खा लेता, उसे खाने वाली चीज़ थी, रखता रखे रहता दुकान पे। तो फटाक से निकलते हैं हम, पहले चलते पीजीआई। तो निकलो, अपना डायलॉग तो बोला नहीं। तो नमस्ते दाव सिसरे गल केम छो, मजा वा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ब्लॉग 129। अब निकलते हैं भाई, खुश हो गया। ये रहा अपना बेटा तिवारी, बेटा तिवारी हमारा, बेटा तिवारी गर्ल। तो तो इसको पापा तिवारी बोलने में शर्म आती है। अभी मैं बेटा, मैं सब बाप को बेटा करने का है, लोगों को जागरूक करने के लिए एक्टिवा के दिए। बेटा मैं बोला, बेटा वही कह रहा, बेटा बेटा का भी अपने बाप को बाप का है, नहीं कहना, नहीं कहना, समझ जाओ। फिर भी गलत नहीं बोलना, तो अभी भाई ना कह सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर पापा तिवारी बोलने में शर्म आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, काट दूंगा, सब सब काट दूंगा मैं, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या काटेगा? एडिटिंग मेरे हाथ में है, तो जो मर्जी कर ले, कोई दिक्कत। तो अभी बाइक लगा दी पार्क में, पार्किंग में, तो अब जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने। एंड बेटा जी, पहले बेटा हेलमेट कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठाक ही है, हेलमेट उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर इंटरकॉम मजा आ जाएगा भाई, स्वाद आ गया भाई। ये तो निकालने की सोचो, निकल जाएगा। हाँ निकल तो जाएगा, मेरे हेलमेट में लगेगा? नहीं, तेरे हेलमेट में नहीं लगेगा। क्यों? मजा नहीं आएगा ना उसमें, अपने गाने बंद हो गए। गाने नहीं बंद, हाँ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही फिर। अच्छा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है तो गाने नहीं चल रहे ना, वो कहीं उसमें से आवाज ना आए यार, पहले देखना पड़ेगा, पॉपट ना हो गया बस। चलो मिलते अब डोनेट करने के बाद। तो भाई ने नया फोन लिया, मैनी मैनी कांग्रेस वन प्लस, कितने का है ब्रो? 30। बड़े बंदे, ऐसा कुछ नहीं, बंदों की सोच बड़ी है। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो भाई कांग्रेचुलेशन, फोन भाई ने कहा था अनबॉक्सिंग करने का, पर मेरे पास टाइम नहीं था, पता नहीं स्पेशल बुलाया था, कुछ रीजन था, बस था, मतलब क्लोल हो रखी थी मेरे साथ। तो अब चलते हैं, फिर मिलेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। अरे अपने बेटा तिवारी फॉर्म भर रहा है, लगे रहो, लगे रहो। वैसे भाई ने पहली ब्लड डोनेट कर दिया है, मैंने 4 बार ब्लड डोनेट किया, एक बार प्लेटलेट्स भी दी है, 5 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना। दीपक बढ़िया बढ़िया, वर्दा नहीं, दीपक ओनली दीपक, वृंदा फादर ने। तो मिलते हैं बाद में। ब्लड डोनेट तो नहीं हुआ मेरा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा टैटू बना हुआ है, आपको मालूम ही होगा, वीडियो देखी होगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेरी टैटू जो बनाया था, टैटू की वजह से मतलब कम से कम साल पुराना होना चाहिए टैटू, जब जाके आप डोनर बन सकते हो, नहीं तो नहीं। पहले खांसी पूछा, बुखार पूछा, बीपी पूछा, बलगम बलगम, फटाला बॉडी के पोस्टर सारे पूछते हैं, कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है आपको? अगर किसी की मेडिसिन भी, कोई भी किसी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हो वो भी बताना पड़ेगा उनको, अगर कोई एरर है, शुगर बीपी कुछ भी है तो नहीं लेंगे ये। फिर एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद 3 महीने बाद ही ब्लड डोनेट कर सकते हो आप, समझ रहे हो ना? तो टैटू की वजह से नहीं डोनेट कर पाया हम, डोनर नहीं बन पाए। तीन साल में मेरा ये 4थी बार ब्लड डोनेट था, और फर्स्ट टाइम मैंने प्लेटलेट दे दिए थे नवंबर में, 3rd नवंबर को प्लेटलेट भी डोनेट करा हुआ भाई ने। तो अब चलते हैं, डोनर तो नहीं बन पाए। एंड अब जो अपनी आरसी, लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और एटीएम वगैरह वगैरह चीज़ें गुम हुई है। अच्छा। वो वापसी मतलब अब रिन्यू कहते क्या कहते हैं, रिनेबल कराते जाके, डुप्लीकेट एक तरह से डुप्लीकेट बनवाते चल के, वो रिनेबल ही होता है। रिनेबल ये नहीं होता कि अगर डेट खत्म होगी, देख रिनेबल डेट एक्सटेंड हो जाती है,
प्लस ये भी होता है रिन्यूअली, डुप्लीकेट रिन्यूअली होता है, बट ये भी वैसे उसी कैटेगरी में आता है। पर मेरा जब भी तो अपॉइंटमेंट लेगा तो रिन्यूअल का ही एक्सटेंड लेगा। हाथ दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है क्योंकि कल शोल्डर लगा के आना तो शोल्डर का ये चीज दर्द होने लगा, क्योंकि अभी 1 वीक हुआ है मुझे भी जिम ज्वाइन करे। वैसे काफी टाइम से कर रहा था, 2 महीने का रेस्ट ले लिया था, उसके बाद अब 2 हफ्ते हुए। 2 महीने इसने किया मगर घर में हैंड प्रैक्टिस की। काटना पड़ेगा, बीप दूंगा यहाँ पे, बीप बीप। तो भाई अब मिलते हैं सितारा में। तो अभी बाइक लगा दी पार्किंग में, अब जा रहे पैन कार्ड के ऑफिस, वहाँ से डुप्लीकेट का फॉर्म लेते हैं, फिर उसके बाद पहचान पत्र के जाना है वोटर कार्ड के, फिर उसके बाद इधर पीछे जाना होगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो पता नहीं कैसे मिलेगा। वैसे एक टाइम लिया था मैंने अपनी, वैसे मैंने अपनी धनु की भी आरसी डुप्लीकेट कराई है, क्योंकि मेरी सिस्टर ने गुम कर दिया था उसकी आरसी, तो थोड़ा बहुत तो याद है, वैसे भूल चुका हूँ काफ़ी। पूछ लेंगे उन्हीं से कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो अब चलते हैं, एक इसी के सामने ही है, क्योंकि मेरे को इसी से याद है, क्योंकि पैन कार्ड के ऑफिस के सामने थिएटर है, थिएटर के सामने पैन कार्ड का ऑफिस है, ये अपने को याद था। देख पैन कार्ड गुम हो गया मेरा, उसका फॉर्म चाहिएगा, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? बस आधार कार्ड और पैसे भी लगेंगे साहब। थैंक यू। तो अभी पैन कार्ड का फॉर्म मिल चुका है, तो इसके साथ पुराना पैन कार्ड की फोटो कॉपी एंड 2 फोटो और आधार कार्ड लगेगा और 110 रुपये लगेंगे। अब जाना है वोटर कार्ड का फॉर्म लेने। तो बिल्डिंग के पास आ गए पैन कार्ड का, सॉरी वोटर कार्ड का फॉर्म लेने। तो लिफ्ट का वेट करने से अच्छा पौड़ी से चलते हैं फटाक से, क्योंकि लिफ्ट थी 3rd फ्लोर पर, हमने जाना है भी 3rd फ्लोर पर, जब तक वो आएगी जब तक आप पहुंच जाएंगे। वोटर कार्ड का ऑफिस चेंज हो गया है, सेक्टर 18 A में चला गया, वहाँ जाते हैं, जाना पड़ेगा। ऑफिस तो बंद है, सेक्टर 18 में कोई प्रेस वाला ऑफिस है, तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे है। पहले उससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की फॉर्म ले लेते हैं। तो अभी आगे सामने लगा दी पार्क में, पार्किंग में लगा दी बाइक और जाते हैं आरसी और लाइसेंस का फॉर्म लेके आते हैं। मैम आरसी और लाइसेंस दोनों खो गया, उसके फाइल चाहिए थी। हाँ जी रिन्यूअल चाहिए, रिन्यूअल चाहिए। दोनों ही मैडम हाइपोथिकेशन चेंज करानी है गाड़ी की ना, हटानी है मतलब हाइपोथिकेशन। व्यू नहीं आ रहा, तो फाइल ले लिए, चलते हैं फटाक से निकलते हैं, कि जॉब पे भी जाना है अभी, और 12:30 हो चुका है, तो फटाक से निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ वोटर कार्ड का फॉर्म ही लेते हैं, कल वहीं पे आएंगे सीधा जमा कर देंगे, जब भी आए मतलब कल परसों जब भी आए सीधा जमा कर देंगे। अब फटाक से निकलते हैं, अब घर पे खाना खाते हैं, खाना खा के टिफिन पैक करते हैं जॉब पे।